नमस्कार दोस्तों, पट्टभी सीतारमैया, जन्म 24 नवंबर 1880, नल्लोर तालुका आंध्र प्रदेश, स्वर्गवास 17 दिसंबर 1959। लेखक व पत्रकार पट्टभी सीतारमैया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और पत्रकार थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इन्होंने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीतारमैया महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी में से एक थे। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टभी सीतारमैया को पराजित किया था, जो गांधी जी के लिए बड़ा झटका था। महात्मा गांधी इस हार से इतने विचलित हुए कि उन्होंने इस हार को अपनी हार कहा। सन 1948 के जयपुर अधिवेशन में भी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आज़ादी के बाद वर्ष 1952 से 1957 तक वे मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे। राजनीति के अलावा सीतारमैया को एक लेखक के तौर पर भी जाना जाता था। दोस्तों, इनका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार रहा। पट्टभी सीतारमैया का जन्म 24 नवंबर सन 1880 को आंध्र प्रदेश के नल्लोर तालुका में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता की आमदनी मात्र 8 रुपया प्रति महीने थी और जब बालक सीतारमैया मात्र 4-5 साल के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। गरीबी से जूझते परिवार के लिए यह कठिन समय था, पर अनेक कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीए की डिग्री मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की। इसी दौरान उनका विवाह काकीनाड़ा के एक संभ्रांत परिवार में हो गया। तत्पश्चात उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और आंध्र के मछलीपट्टनम शहर में चिकित्सक के रूप में व्यावसायिक जीवन में लग गए। दोस्तों, इनका राजनीतिक जीवन इस प्रकार रहा। नई शादी के आरंभ से ही भारत में स्वाधीनता आंदोलन ने धीरे धीरे जोर पकड़ना शुरू किया और सीतारमैया भी इससे अछूते नहीं रह पाए। कॉलेज में अध्ययन के दौरान ही वे कांग्रेस के संपर्क में आ चुके थे और फिर बाद में चिकित्सा कार्य छोड़कर वे स्वाधीनता संग्राम में कूद गए। सन 1910 में उन्होंने आंध्र जातीय कलाशाला स्थापित किया और सन 1908 से लेकर 1911 तक कृष्णा पत्रिका के संपादक भी रहे। अंग्रेजी और तेलुगु लेखन में उन्होंने अपनी अलग शैली विकसित कर ली थी। सन 1919 में उन्होंने जन्मभूमि नामक एक अंग्रेजी पत्र प्रारंभ किया। इस पत्र का मुख्य लक्ष्य था गांधी के विचारों का प्रसार। इस पत्र के माध्यम से लोग उनके लेखन कला से प्रभावित हुए और मोतीलाल नेहरू ने उन्हें अपने पत्र इंडिपेंडेंट के संपादन के लिए आमंत्रित किया। इंडिपेंडेंट का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान डॉक्टर सीतारमैया ने ऐसे अनेकों स्थानों की स्थापना की जिससे राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति होती थी। सन 1915 में उन्होंने कृष्णा कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, किसानों की सहायता के लिए सन 1923 में आंध्र बैंक, आंध्र की पहली बीमा कंपनी आंध्र इंश्योरेंस कंपनी 1925, वदी अमेंदु लैंड मॉर्गेज बैंक 1927, भारत लक्ष्मी बैंक लिमिटेड 1929 और हिंदुस्तान आइडियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1935 की स्थापना की। डॉक्टर सीतारमैया महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सन 1920 में असहयोग आंदोलन के समय
चिकित्सा कार्य त्याग दिया और उसके बाद स्वाधीनता संग्राम के प्रत्येक महत्वपूर्ण आंदोलन में भाग लेने के कारण 7 साल जेल की सजाएं भोगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त डॉक्टर सीतारामैया ने देशी राज्य प्रजा परिषद की कार्य समिति में वर्ष रहकर राष्ट्रीय जागृति लाने में बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर सीतारामैया और सन 1939 का कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव इस प्रकार रहा। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के विचारों का मतभेद सन 1939 में चरम सीमा पर पहुंच गया, जब सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारों पेश की। सुभाष सन 1938 के अधिवेशन में भी अध्यक्ष चुने गए। सामान्य तौर पर कांग्रेस का अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित होता था और सीतारामैया गांधी जी की पसंद थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मत था कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव विभिन्न समस्याओं और कार्यक्रमों के आधार पर ही लड़ा जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1939 में सीतारामैया के 1377 के मुकाबले 1580 मत पाकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। सीतारामैया की हार पर गांधी जी ने सीतारामैया की हार उनसे अधिक मेरी हार है। 1952 से 1957 तक वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर भी रहे। देश की आजादी के बाद पट्टभी सीतारामैया ने अपना ज्यादातर समय वे लेखन कार्य में लगाया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही उन्हें एक लेखक के रूप ख्याति प्राप्त थी। अंग्रेजी भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था, पर वे राष्ट्रभाषा हिंदी के भी बड़े भक्त थे। उन्होंने 60 ईयर्स ऑफ कांग्रेस, फेदर्स एंड स्टेन्स, नेशनल एजुकेशन, इंडियन नेशनलिज्म, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स, हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस, ये उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका पहला भाग सन 1935 में और दूसरा भाग 1947 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, सन 1958 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर सीतारामैया हैदराबाद में बस गए। 17 दिसंबर 1959 को पट्टभी सीतारामैया का देहांत हुआ। दोस्तों, इनके लाइफ से जुड़े, इनकी जिंदगी से जुड़े जो टाइमलाइन है, जो घटनाक्रम है, वह इस प्रकार रहा। 1880 24 नवंबर को नल्लोर तालुका आंध्र प्रदेश में जन्म। 1910 आंध्र जातीय कलाशाला स्थापित किया। 1919 जन्मभूमि नामक अंग्रेजी पत्र प्रारंभ किया। 1915 कृष्णा कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना। 1923 आंध्र बैंक की स्थापना। 1925 आंध्र इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना। 1927 बदी अमेंदु लैंड मॉर्टगेज बैंक की स्थापना। 1929 भारत लक्ष्मी बैंक लिमिटेड की स्थापना। 1935 हिंदुस्तान आइडियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें अध्यक्ष पद के चुनाव में हराया। उसके बाद 1948 में जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1952 से 1957 मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। 1959 से 17 दिसंबर में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये था इनकी जीवन से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। नमस्कार।